गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इमेजिन करो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आप बिना अपना फेस दिखाए, बिना ठुमके लगाए, बिना कैमरा एंड इक्विपमेंट्स खरीदे, फिर भी आप एक इन्फ्लुएंसर्स बनके लाखों फॉलोअर्स गेन कर सको और भर भर के ब्रांड्स आपको पैसा दिए जा रहे हो। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? बट व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि ये ड्रीम सच हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में जो अंडरग्राउंड में शुरू भी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर को यूज करते हुए आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू अ क्रिएटर हु ओन्स एन एआई पावर्ड इन्फ्लुएंसर। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आज हम देखेंगे कैसे आप अपने खुद का एक एआई इन्फ्लुएंसर बना सकते हो दोस्त। लाइक नैना। नैना कोई रियल इंसान या लड़की है ही नहीं, इसे बनाया गया है एआई के टेक्नोलॉजी से, जिसमें खाली आप प्रॉम्प्ट दे दो कि नैना से क्या करवाना है, नैना बिल्कुल वो ही कर देगी और फिर आप उसे इंस्टाग्राम में पब्लिश कर दो। इतना ही नहीं, आप अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी, लुक और इंटरेक्शन सब कुछ तय कर सकते हो यूजिंग एआई। बस आप एक बढ़िया सा नाम सोचिए अपने इन्फ्लुएंसर के लिए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सिखा देता हूं कि आपको इन्फ्लुएंसर कैसे बनाना है। तो अगर आप रेडी हैं एक्सप्लोर करने के लिए एक न्यू एरा ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग का जो आपको नॉट जस्ट फेम बट फाइनेंशियल सक्सेस भी दिलाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपने एआई इन्फ्लुएंसर को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको न्यू हाइट्स तक ले जा सकता है इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। तो करते हैं शुरू एक लाइक के साथ एक ऐसे वीडियो को जो आपको इंस्पायर करेगी टू थिंक beyond the traditional ways of content creation. Let's dive into the world of AI influencers. So guys, the very first thing that you will be doing is that कि आपके influencer का face कैसा हो वो आप imagine करोगे। अब influencer लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, but हाँ मुझे पता है कि आप लोग क्या influencer बनाना चाहोगे। ठीक है, चलो आपके मुताबिक लड़की ले लेते हैं। तो लड़की का face कैसा होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपका influencer कैसा हो तो हो सकता है कि आप अच्छा influencer ना बना पाओ। ठीक है, उसका नैन नक्श अच्छे होने चाहिए, नाक कैसा हो, आंख कैसी हो, कान कैसे हो, उसका चेक कैसा हो, बाल कैसे हो, ये सारी चीजें को सोचनी पड़ेगी और सोचने के बाद ही आप इन्फ्लुएंसर फाइनल कर सकते हो और ये हमारा स्टेप नंबर वन होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप खुद से सोच लो भैया कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं और मेरे अंदर का जो थॉट है उस अकॉर्डिंग तो मेरा जो इन्फ्लुएंसर है वो कुछ इस तरीके की कन्या होनी चाहिए, है ना। फेस ही सोचना है आपको, बॉडी नहीं सोचनी, फेस सोचना है। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि मैं एक चैट जीपीटी यूजर होने के नाते, एक्सपीरियंस यूजर होने के नाते मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा और एग्जैक्टली मैंने वही किया। मैंने चैट जीपीटी को ही बोल दिया कि भाई मैं एक इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता हूं, तो कृपया करके मुझे एक इन्फ्लुएंसर का फीचर बता दिया जाए जो कि एक इंडियन होनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखने में होनी चाहिए और थोड़ा फेयर कलर होना चाहिए, ना कैसा होना, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया कि एक ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर बनाना है। तो मैंने उसको जैसे ही बोला ना, तो गाइस यू वोंट बिलीव दैट कि चैट जीपीटी ने मुझे कितना जबरदस्त तरीके से रिप्लाई देते हुए कहा कि क्रिएटिंग अ विजुअली अपीलिंग एंड रिलेटेबल एआई इन्फ्लुएंसर दैट एम्बोडीज द एसेंस ऑफ अ फेयर स्किन इंडियन गर्ल इन्वॉल्व्स पेइंग क्लोज अटेंशन। उसके बाद उसने फेस का शेप बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया इस तरीके से, स्किन टोन बता दिया, टेक्सचर बता दिया, आईज कैसी होनी चाहिए वो तक बता दिया, उसके बाद बता दिया नोज कैसा हो, लिप्स कैसा हो, और ये सारा मिलने के बाद गाइस मेरे आ गए मजे। फिर मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन लेने के बाद एक और प्रॉम्प्ट दिया कि इसको एक पैराग्राफ में ब्रीफ करके दो, इन वन पैराग्राफ। तो गाइस उसके बाद जो मुझे मिला ये मेरा इन्फ्लुएंसर का चेहरा मिल गया है। ठीक है, यही है कमाल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तब आप देखना कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट आपका डिजिटल सारा काम जो है वो आराम से चैट जीपीटी कर देता है। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे जैसे ही मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? गाइस नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपको एआई टूल्स चाहिए जहां पर आप इन फीचर्स को डाल के, जैसे कि इसने मेरे इन्फ्लुएंसर का नाम तक रख दिया आरोही, कि आप आरोही नाम से अपना इन्फ्लुएंसर बनाओ, तो मैंने ठीक है माना है तो माना, वरना आपकी मर्जी, नाम चेंज कर दो लेकिन फेस आप यही रखोगे। तो मैंने बहुत सारे यहां पर जो प्लेटफॉर्म्स है यूज किए हैं जहां पर मैं एआई इमेजेस को क्रिएट कर सकता हूं। द वेरी फर्स्ट प्लेस जो कि इटसेल्फ वो चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी में ही मैंने इसको बोला कि भैया आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मुझे एक लड़की बना के दिखाओ। तो गाइज इसने मुझे आरोही बना के दे दिया है। लेकिन बात यह है
कि चैट जीपीटी की अभी कैपेबिलिटी जो है वो फोटो रियल इमेजेस बनाने की नहीं है, इसलिए आपको लग भी रहा होगा मतलब देख के आपको कि ये इमेज तो एक कार्टूनिश, एक लाइक यू नो आर्ट टाइप की इमेज है, तो ये तो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकती, क्योंकि दुनिया में जो इन्फ्लुएंसर है वो रियल ह्यूमन की तरह दिखने चाहिए। अगर AI इन्फ्लुएंसर भी है तो वो ह्यूमन की तरह दिखे, तब जाके फायदा है, लेकिन ये एक आर्ट है। लेकिन जब मैंने इसको बोला कि मुझे फोटो रियल दो, फिर भी मैंने एक ट्राई मारा, मुझे पता था इसकी कैपेबिलिटी से बाहर है, बट इसने खुद ही कह दिया है कि ह्यूमन फोटोग्राफी जो है मैंने मांगी, लेकिन इसने कहा आई एम अनेबल टू जनरेट द रियल ह्यूमन फोटोग्राफी टू क्रिएट इमेजेस दैट डिपिक्ट रियल पीपल विद एग्जैक्ट प्रिसाइसली, मना कर दिया क्योंकि मुझे पहले से पता था। तो व्हाट आई डिड द नेक्स्ट थिंग, मैंने क्या किया, मैं सीधा गया Leonardo.ai में, जो कि मेरा एक प्रीमियम टूल है जहां से मैं AI इमेजेस बना सकता हूं। तो गाइस मुझे मेरी आरोही जो है वो मिल गई लाइक दिस, जस्ट लुक इनटू दिस गाइस कि हाउ रियलिस्टिक फोटो इज दिस। मतलब कोई बोलेगा यार ये किसी लड़के की खींची हुई फोटो नहीं है, ये एक रियल AI है। लेकिन अगर आप जो बंदा AI के बारे में नहीं जानता, इस दुनिया में अपने मम्मी या पापा जो कि आपसे ऊपर के जनरेशन में जो अभी AI से उतना रिलेटेबल नहीं हो पाए, उनसे जाके दिखाओ कि मम्मी ये मेरी फोटो है, मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज इससे शादी करनी है, आपके मम्मी पापा पहचान ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे यार इतनी सुंदर बहू यार आज ही लिया हमारी बात करा दे। एग्जैक्टली ये होने वाला है ना। तो देखो ये है वो फोटो जिसको मैं हो सकता है इस्तेमाल कर लूं। अब आप बोलोगे सर हमें ये कहां से मिलेगा, तो आप Leonardo.ai जो है ये फ्री है कुछ हद तक, उस हद तक में आपको एटलीस्ट ये वाली फोटो तो मिल जाएगी कि आप फर्स्ट टाइम के लिए अपना जो AI इन्फ्लुएंसर है जो बना लोगे, दैट इज माय स्टेप नंबर वन। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, Leonardo.ai के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इमेजेस बनानी है, तो गाइस एक फ्री टूल जो है मार्केट में अवेलेबल है विच इज गूगल कोलैब, लेकिन फोकस FOOCUS फोकस टूल है, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे जाना है। ये बिल्कुल फ्री है और यहां पर आके आप सिंपल अपना प्रॉम्प्ट दोगे, नीचे जाओगे और इस पर जनरेट पे क्लिक कर दोगे। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन जनरेट थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये फ्री में एक AI इन्फ्लुएंसर बना के दे देगा। दिस इज गूगल कोलैब। सो गाइस आपकी आंखों के सामने आप देखिए कि इसने बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड आई कैन से दैट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ये जो बना के देगा ना, दैट विल बी मोर रियलिस्टिक, इतना ज्यादा रियल टच होगा कि आप यकीन नहीं कर सकते यार ये कोई ह्यूमन है ही नहीं, ये AI है। एग्जैक्टली आप देखना, और अब आपके आंखों के सामने इसने एक बना दिया, मैंने दो बनाने का यहां पर कमांड दिया था तो एक बन गया, एंड जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू जूम इट, मैं आपके लिए जूम इन करने जा रहा हूं और आप देखना गाइज कि ये जो इमेज है ये कितनी परफेक्शन इमेज है फॉर आरओई, फॉर AI इन्फ्लुएंसिंग। जस्ट लुक इनटू इट, मैं इसको ओपन करता हूं, एंड दिस इज व्हाट द रियल फेस ऑफ अ AI ह्यूमन इन्फ्लुएंसर। जस्ट लुक एट इट गाइस, एक एक चीज देखो ध्यान से, कितनी क्लियर, कितनी क्लैरिटी के साथ एक AI ह्यूमनॉइड बना दिया गया है, एंड वो फर्स्ट थी, ये सेकेंड है, जस्ट लुक इन टू इट। एग्जैक्टली जैसे आंखों का कलर बताया गया था, जैसे नाक बताया गया था, जैसे कान बताया गया था, झुमका तक बताया गया था। आप देखो यहाँ पर मैंने झुमका तक बताया था लास्ट में, ये रहा झुमकास और अब बिंदी, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपके पास ये चॉइस करने का यू नो इट्स अ टाइम कि आप इन तीनों में से किसको लेना चाहोगे। नंबर वन, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं, एक तो ये है, इफ यू थिंक कि ये आपकी AI इन्फ्लुएंसर बन सकती है चूज कर लो, वरना इन दोनों में से जो AI इन्फ्लुएंसर आपके लिए बन सकती है उसको आप चूज कर सकते हो फॉर द स्टेप नंबर टू। सो गाइस नाउ यहां पर सेकंड चीज जो मैंने यहां पर करने की कोशिश की है AI इन्फ्लुएंसर बनाने के इस स्टेप्स में, वो ये है कि मैंने कोशिश की है कि मेरा जो इन्फ्लुएंसर जो मैंने सिलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें से सिलेक्ट कर रहा हूं कि मेरा इन्फ्लुएंसर या तो ये हो या मतलब जो मैंने दूसरा दिखाया था वो हो जाए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने ये लिया और मैं Leonardo से ही दोबारा कोशिश कर रहा हूं कि सेम फेस की लड़की जो है मतलब इन्फ्लुएंसर वो बार बार बने, तो वो बार बार बन नहीं रही थी। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो यू कैन जस्ट लुक इनटू इट, एक बार इसको एनहांस करके देखते हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर देख लो। एंड नाउ अब मैंने जब इसको बनाने की कोशिश की तो ये वाला इन्फ्लुएंसर भी बन के आया, लेकिन अब दोनों के चेहरे में ना जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अपीयरेंस सेम हो सकती है, लेकिन कोई भी अगर बार बार देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यार ये वो लड़की नहीं है जिसको मैंने लाइक किया था या फॉलो किया था, ये तो चेंज लग रही है। अब अगर मैं दिखाऊं फिर से मैंने कोशिश किया तो अब तो बिल्कुल ही चेंज, मतलब अब तो ये कोई फॉरेनर ही लग रही है। हालांकि बाल के टेक्सचर सब कुछ सेम है, आंखें लिप्स नाक सब सेम है, लेकिन फिर भी ना वो सिमिलैरिटी नहीं आ पा रही है। अब यहां पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्त कि अगर आपको एक AI इन्फ्लुएंसर बनाना है तो क्या आप दुनिया को ये दिखा सकते
हो कि हर बार नई लड़की जो है वो यू नो हमारे हम पोस्ट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे और आप जिसके लिए उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं, लोग किसी एक आइडेंटिटी को, एक पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, तो वो ही इन्फ्लुएंस कर पाता है, मतलब वही इन्फ्लुएंसर बन पाता है जब आपकी एक आइडेंटिटी फिक्स हो। तो यहां पर क्या होगा कि अगर अब आपको एक ही फेस वाली लड़की बार बार बनवानी है तो ये बहुत चैलेंजेबल हो जाता है अभी तक जितना भी टेक्नोलॉजी आया था उसमें बनाने में, खासकर अगर मैं बात करूं AI प्रॉम्प्ट वाले जितने भी इमेजेस हैं। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है विच इज गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में जाके जहां पर मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो आपको सिंपल क्या करना है, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, बार बार बोला है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद यू जस्ट नीड टू, इसमें कोई भी आपको अगर आपको इंस्टॉल करना है, आपके पास GPU वाला एक सॉलिड लैपटॉप है तो आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हो। तो GitHub में जाके, मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, GitHub में जाओ और इसको आप यहां से कर लो डाउनलोड और इसको इंस्टॉल कर लो एज पर दिस इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप पे ही चलाओ, फिर आपको गूगल कोलैब में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड, तो आपको ब्राउजर बेस्ड काम करना पड़ेगा, गूगल कोलैब में जाके कर सकते हो, थोड़ा कम स्पीड हो सकता है, लेकिन आपका लैपटॉप चाहे किसी भी लेवल का हो, i3 i4 i7 बिना ग्राफिक कार्ड का भी हो तो भी चल जाएगा। सिंपल इसे करना है प्ले, अभी आपके लिए एनवायरमेंट बना रहा है जहां पर जाके आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जो है उससे गूगल कोलैब में यूज कर पाओगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर एक और स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो कर लेना, योर जॉब इज डन। गाइस ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, ये कोडिंग है या फिर ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझना भी नहीं है, ये बिल्कुल नो कोड सिस्टम है, मतलब सिर्फ आपको एक छोटा सा स्टेप करना है उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मुझे भी टेक्निकल लगा था, इसलिए मैं आपको इजी रास्ता बता रहा हूं करने का, आपको इसमें कोई भी ध्यान नहीं देना है, आपको जस्ट वेट करना है टिल हमें एक पब्लिक URL मिल जाए, बस एक पब्लिक URL का मैं वेट कर रहा हूं। यहां पर किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है, ये जो डाउनलोडिंग वगैरह लिंक आ रहे हैं ना, इनको किसी को भी क्लिक नहीं करना है, मैं पब्लिक URL, ये रहा रनिंग ऑन पब्लिक URL, इसका वेट करना है, जैसे ही आ जाना है इसको आपको क्लिक करना है, एक और नया टैब खुलेगा, बस यही टैब है जहां पर मैंने अपना फर्स्ट इन्फ्लुएंसर भी आपको बना के दिखाया था, एंड जस्ट वेट ऑन इट। सो गाइस आपका इंटरफेस खुल गया है, अब आपको सिंपल पता क्या करना है, पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट यहां पर प्रॉम्प्ट देके ही AI इन्फ्लुएंसर बनाने का तरीका सिखा दिया था, बट अब हमें प्रॉम्प्ट नहीं देना है, अब हमारे पास AI इन्फ्लुएंसर रेडी है। मान लेते हैं ये है मेरी AI इन्फ्लुएंसर जो कि मैंने यहीं से बनाया था, जस्ट लुक एट इट, एकदम कोई भी नहीं पकड़ सकता कि ये रियल ह्यूमन नहीं है, सबको लगेगा ये रियल ह्यूमन है और ये एक फोटोग्राफ्ड इमेज है, मतलब इसकी फोटोग्राफी की गई है। अब आपको सिंपल पता क्या करना है, आपको यहां पर आना है और यहां पर अब इनपुट इमेज पे क्लिक करना है, सिर्फ इनपुट इमेज पे क्लिक करना है, इमेज प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहां पर उस पर्टिकुलर अपने इन्फ्लुएंसर को अपलोड कर देना। द मोमेंट यू विल अपलोड इट, यहां पर आ गई, अब आपको सिंपल क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एडवांस, अब आपके पास ऑप्शन आएगा फेस स्वैप का, जैसे ही आप फेस स्वैप पे क्लिक करोगे That's it. बस अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आप लिख दो गर्ल इन टी शर्ट विदाउट झुमका एंड बिंदी, ठीक है, विदाउट झुमका बिंदी एंड नेकलेस। सो गाइज मैंने फेस स्वैप के साथ मैंने ये भी बोला है कि अब इसी गर्ल को मुझे टी शर्ट में चाहिए और ये नेकलेस भी नहीं चाहिए, विदाउट नेकलेस झुमका और बिंदी, क्योंकि टी शर्ट के अंदर नेकलेस झुमका बिंदी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट क्लिक ऑन जनरेट एंड आप नोटिस करोगे कि फोकस जो कि ये एक AI जनरेटिव टूल है, ये आपको बिल्कुल एक ऐसी लड़की बना के दे देगा जिसका फेस बिल्कुल यही है लेकिन वो टी शर्ट में होगी और उसके पास कोई भी ऐसा नेकलेस या जो ज्वेलरी आपने पहना रखी थी पहले प्रॉम्प्ट में वो नहीं होगा, एंड यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एक AI इन्फ्लुएंसर बनाने की। सो गाइज यहां पर एग्जैक्टली वो फेस आ गया है जो कि मैंने फेस का इनपुट दिया था, जस्ट लुक इनटू इट। हाँ यहां पर मैं मान सकता हूं कि उसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने स्पेशली लिखा था नेकलेस झुमका बिंदी हटाने के लिए लेकिन वो हटी नहीं है। अब ये हटी नहीं है ना, इसके पीछे का रीजन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है और ये स्ट्रॉन्ग रीजन शायद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जिसके अंदर मैं एडवांस में आपको ये गूगल कोलैब यूज करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको फेस को स्वैप करना है कि बस हर बार ये फेस जो है आता रहे, लेकिन इतने सारे और उसके यू नो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट है जिसको यूज करके आप एक सुपर इन्फ्लुएंसर बना सकते हो, एक रियल इन्फ्लुएंसर बना के आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट अभी के लिए, फिलहाल के लिए जस्ट इसको देखो, ये वही लड़की है जिसको हमने यहां पर एज एन इनपुट दिया था, जस्ट लुक इनटू इट, ठीक है, टी शर्ट पहन के आ गई है लेकिन वो सारा चीज एज इट इज है, वो हटा नहीं है प्रॉम्प्ट से, लेकिन प्रॉम्प्ट से नहीं हटा तो किसी एक चीज से जरूर हटेगा और वो क्या होगा वो मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हम एक सीरीज के तहत चले तो ज्यादा बेटर है। अभी मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस करना शुरू करो और इस प्रैक्टिस के साथ आप एटलीस्ट ये सीख जाओ कि हर बार आपको सेम इन्फ्लुएंसर की इमेज या फेस
कैसे मिलता है। अगर आपने एक बार इसमें महारत हासिल कर ली और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिसके अंदर मैं इसके एडवांसमेंट कंटिन्यूसली बताता रहूंगा, जिसके बाद आप एक एक्सपर्ट हो जाओगे AI इन्फ्लुएंसर बनाने में। जैसे ही अब इस इमेज को भी आप आज की डेट में कॉपी कर लो, सेव कर लो और इसको जाके अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो एज अ न्यू पोस्ट, एक अच्छे से टैगलाइन के साथ, एक अच्छे से कैप्शन के साथ, अच्छे अच्छे हैशटैग्स के साथ जो कि इस टाइप के इमेजेस से ज्यादा रिलेट होते हैं और ज्यादा वायरल करते हैं इस टाइप के इमेजेस को, आप देखना आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल किस तरीके से फिर शूट होना शुरू हो जाता है। बाकी जल्दी से आप वीडियो अगर पसंद आई अभी तक और आपको वीडियो के अंदर नॉलेज समझ आया तो उसे लाइक जरूर कर दो, अधूरा वीडियो नहीं है ये, एक चैप्टर 1 था इस पर्टिकुलर AI इन्फ्लुएंसर जर्नी का। चैप्टर 2 अगर आपको देखना है, जिसके अंदर मैं थोड़ा एडवांस और बता दूंगा कि कैसे आपको ये सारी चीजें हटानी है और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मॉडल को, इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को और बेटर बनाना है, मतलब कैसे उसके पोजेस चेंज करनी है, कैसे उसके आपको बाल के रंग चेंज करने हैं या फिर कोई एक अच्छा सा स्माइल फेस देना है, मतलब एज इट इज सिर्फ प्रॉम्प्ट देके नहीं होगा, वो क्या होने वाला है वो थोड़ा सीक्रेट रखना चाहूंगा ताकि आप भी तो अपनी लॉयल्टी दिखाओ कि आप इस चैनल के लिए, मेरे लिए कितने लॉयल हो, जितना मैं हूं आपको कंटेंट दे देके फ्री में उतना आप भी हो, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आप इस चैनल को कंटिन्यूअसली वॉच करते हो। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही कंटेंट देख देख के अपना दिमाग ठनकाते रहिए और सबसे बड़ी बात सीखते रहिए बहुत 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 ज्यादा। चलो बाय वंस अगेन, सी यू।